जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुएब है, कासा स्टेट के प्लेटफॉर्म से मेरा ताल्लुक है। आज मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ ये सेंट्रल ब्लॉक है, बैरियो ऑर्चर्ड का फेज़ वन है। आपको आज खूबसूरत स्पेनिश एलिवेशन के साथ घर लेके आया हूँ ब्रांड न्यू सेल के लिए। इसकी लोकेशन, इसकी सराउंडिंग बताता चलूँ तो काफ़ी डेवलपमेंट है यहाँ पे। रोड की बात करूँ तो 40 फीट रोड है। नियर टू इसके हॉस्पिटल है, पार्क है, स्कूल है, मस्जिद है और बच्चों के लिए प्ले एरिया के लिए फैमिली पार्क भी है। ये घर का फ्रंट एलिवेशन है। आप इसका मेन गेट देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन हुआ हुआ है और फिनिशिंग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है। अब हम घर के अंदर जो है दाखिल हो रहे हैं। दाखिल होते साथ ही हमें खूबसूरत वेलकम स्पेस मिलता है, गैराज जिसे हम कहते हैं। इजीली यहाँ पे दो बड़ी गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। आप फिनिशिंग देख सकते हैं, निशों का काम देख सकते हैं, वॉल डिज़ाइनिंग देख सकते हैं, लैंप देख सकते हैं आप। ये इसकी साइड की गली है, अगर आप चाहें तो यहाँ भी एक छोटी गाड़ी इजीली पार्क कर सकते हैं, फैमिली सिटिंग एरिया बना सकते हैं इसे। दरवाजे देख सकते हैं आप, टोटली सॉलिड दरवाजे हैं, खूबसूरत एंट्रेंस है इसकी। एंट्रेंस लेते ही हमें जो है खूबसूरत साथ इसके लेफ्ट साइड पे किचन मिलता है, सॉरी राइट साइड पे। किचन का देख सकते हैं आप काम, कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं आपके वुड्स की, टाइल्स की, पेंट की काफ़ी अच्छी की गई है। साथ ये इसके टीवी लॉन्च है। ओवरऑल आप टीवी लॉन्च को देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत जो है डिज़ाइन किया गया है। टाइल्स जो हैं वो वॉल्स पे भी इंस्टॉल्ड हैं, खूबसूरत जो है वो लैंप लगा हुआ है, फैंस अच्छी क्वालिटी के हैं। टाइल्स देख सकते हैं आप, टीवी लॉन्च में इन्होंने साथ मिरर भी लगाए हैं जो कि इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। इसके साथ ही लेफ्ट साइड पे हमें जो है इसका ड्राइंग रूम मिलता है, स्लाइड डोर है, डोर देख सकते हैं आप, और साथ ही इसके लैंप है। अब वॉल्स पे देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरती से इन्होंने जो है वुडवर्क्स किया है, प्लस मिरर लगाया है। सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं, टाइल्स कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं आप। साथ ही इसके नीचे के पोर्शन का फर्स्ट मास्टर बेडरूम है ये। बेडरूम के अंदर भी जो है वुडवर्क अच्छा किया गया है, एलसीडी और डेकोरेशन के लिए अच्छी फिनिशिंग की गई है। सेफ्टी ग्रिल्स हैं जो कि अच्छी क्वालिटी की हैं। साथ इन्होंने अपना वॉल्स पे जो है खूबसूरत जो बेड डिज़ाइन किया है, सिंपल जो है इसका सीलिंग डिज़ाइन है, फैंस हैं। साथ ही इसके कबर्ड्स आ जाती हैं और राइट साइड पे इसका वॉशरूम है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त वॉशरूम है, उजी लगाई भी है, इंस्टॉल की गई है, ऊपर तक टाइल्स का वर्क किया गया है, अच्छी क्वालिटी की सैनिटरी लगाई गई है। साथ ही ये इसका सेकंड बेडरूम आ जाता है, मास्टर बेडरूम कह सकते हैं आप। हर कमरे के अंदर इन्होंने खूबसूरत जो है इसका वॉलपेपर डिज़ाइन किया गया है, वॉल्स पे निशें देख सकते हैं आप जो कमरों में इन्होंने बनाई हैं, जो कमरों में काफ़ी खूबसूरती लेके आ रही है। सीलिंग डिज़ाइन देखेंगे तो आप, इन्होंने सिंपल रखा है, डिसेंट है। ये साथ इसके अटैच बाथ है। ओवरऑल जो कंप्लीट इस घर के अंदर जो सैनिटरी का सामान लगा है वो अच्छी क्वालिटी का है, क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, अब हम इसके ऊपर के पोर्शन की तरफ जाएंगे। अगर आप राइट साइड पे मेरे देखें तो एक बॉर्डर रूम है जो सर्वेंट और गैस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, साथ गली को एक रास्ता जा रहा है। अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो टोटली जो है स्टेयर्स पे मार्बल लगा हुआ है, रेलिंग्स देख सकते हैं, लैंप देख सकते हैं आप। वाओ ज़बरदस्त, आप ऊपर के पोर्शन का जो टीवी लॉन्च देख सकते हैं। ओवरऑल पूरे इन्होंने टीवी लॉन्च पे जो है ज़बरदस्त पूरे वॉल्स पे मिरर्स लगाए हैं और साथ लैम्प देखें कि अच्छी क्वालिटी के खूबसूरत लैम्प इंस्टॉल हुए हैं जो कि टीवी लॉन्च में काफ़ी खूबसूरती जो है वो दिखा रहे हैं। फैंस देख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के फैंस हैं। सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं, सिंपल सीलिंग डिज़ाइन है।
ये साथ इसके टीवी लॉन्च के राइट साइड पे हम जाते हैं तो साथ इसके एक छोटा सा किचन है, नॉर्मल है, डिसेंट बनाया गया है। अब साथ ही इसके हम अपर पोर्शन के फर्स्ट मास्टर बेडरूम में जा रहे हैं। ये इसका अपर पोर्शन का फर्स्ट बेडरूम है, माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त इनके वॉलपेपर इंस्टॉल्ड हैं, वुड वर्क देख सकते हैं आप, नीशों पे देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरती का इन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है। साथ कमरे में लैंप है इसके, मिरर लगे हुए हैं, सीलिंग डिज़ाइन बहुत सिंपल है, अच्छी क्वालिटी के फैंस हैं। साथ ही इसकी अटैच बाथ है, अब बाथ देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फुल इन्होंने वॉल्स पे ऊपर तक टाइल्स लगाई हुई हैं। अब हम इसके सेकेंड बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये इसका सेकेंड बेडरूम है, ये इसके वार्डरोब्स हैं, ये सीलिंग डिज़ाइन है इसका, पाक पंजाब के टोटली जो हैं फैंस इंस्टॉल्ड हैं पूरे घर में, नीशों पे देख सकते हैं आप वॉलपेपर लगाया है, साथ सेफ्टी ग्रिल्स हैं अच्छी क्वालिटी की, साथ ये इसके अटैच बाथ है। कलर कॉम्बिनेशन देखें टाइल्स का आप तो काफ़ी ज़बरदस्त है। अब हम इसके थर्ड बेडरूम की तरफ चलते हैं। वाह ज़बरदस्त, ये आप देख सकते हैं इसका थर्ड जो बेडरूम है काफ़ी खूबसूरत जो है इसमें डिज़ाइन किए गए हैं, इनके वॉल्स पे देखें आप वॉलपेपर जो इंस्टॉल्ड हैं, साथ कलर कॉम्बिनेशन है काफ़ी नाइस है, सिंपल जो है सीलिंग डिज़ाइन रखा गया है। ओवरऑल पूरे घर की टाइल्स की बात करूँ तो अच्छी क्वालिटी की टाइल्स लगी हुई हैं, साथ इसके जो है ये अटैच बाथ है और इसके वार्डरोब्स हैं, आप बाथ देख सकते हैं तो जिकूज़ी लगी हुई है, साथ अच्छी क्वालिटी की सैनिटरी है। ओवरऑल इन्होंने हर वॉशरूम के अंदर अपर तक जो है ना वो टाइल्स इंस्टॉल की हैं जो कि काफ़ी खूबसूरती दे रही हैं वॉशरूम को, और इस रूम के साथ ही जो है हमें इसके टेरेस के एंट्रेंस भी मिलती है, एक ज़बरदस्त खूबसूरत टेरेस है, सिटिंग एरिया है, आप शाम के टाइम यहाँ पे फैमिली के साथ बैठें अच्छा व्यू मिलेगा आपको यहाँ से, ये सारी इसकी सराउंडिंग है।